हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज से एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कैसे करें। उसमें कुछ मुख्य बिंदु होता है, कुछ मुख्य शब्द होता है जिसको कि समझने के बाद में आप किसी भी शेयर को अच्छे तरीके से एनालिसिस या उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए पहला है मार्केट कैप। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं मार्केट कैप या बाजार पूंजीकरण। किसी कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। इसकी गणना किसी स्टॉक की कीमत को उसके बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुना करके की जाती है। उदाहरण के लिए $50 प्रति शेयर पर बेचने वाली 20 मिलियन शेयरों वाली कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन होगा। इसका मतलब मुझे तो इसमें पूरा समझ में आया, लेकिन आपको क्या समझ में आया ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि किसी भी कंपनी में अगर 100 शेयर हो टोटली और एक शेयर का दाम अगर 20 रुपये है तो एक शेयर के दाम यानी कि प्राइस से 100 शेयर में गुना करने पर जो मूल्य प्राप्त होगा उसी को मार्केट कैप कहा जाता है।